अगर 400 पार का इनका लक्ष्य पूरा होता है तो फिर सीधी सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा। ये कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन है। मंगलवार को इकरा हसन नामांकन दाखिल करने पहुंची, ये तभी की तस्वीरें हैं। हालांकि इस दौरान कैराना लोकसभा प्रभारी प्रोफेसर सुधीर पवार सपा की टोपी लगाकर नामांकन कक्ष के अंदर जाने लगे, जिस पर उन्हें पुलिस ने रोक लिया। सुधीर पवार की पुलिस से नोकझोंक हुई, बाद में सुधीर पवार टोपी उतार कर अंदर गए। प्रोफेसर सुधीर पवार ने कहा कि टोपी लगाने का अधिकार हर किसी को है, मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी। हालांकि ये विवाद अभी थमा भी नहीं कि एक नया विवाद सामने आ गया। सोशल मीडिया पर कैराना से लोकसभा प्रत्याशी इकरा हसन का चुनाव प्रचार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इकरा हसन मंच से लोगों को संबोधित कर रही हैं। इकरा हसन वहां मौजूद लोगों को समझा रही हैं कि अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, हम मुसलमान को हमारे ही देश में हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। उन्होंने सारी जरूरी बातें आपको कह दी, मेरे लायक कुछ बचा नहीं है कहने को, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज जो मुल्क में हमारे हालात हैं उस पर आपको और हमें बहुत गौर करने की जरूरत है। जैसा चेयरमैन साहब कह रहे थे, अगर 400 पार का इनका लक्ष्य पूरा होता है तो फिर सीधी सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा, और वो जो मलाल उस टाइम होगा तो तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज टाइम है कि हम अपनी रोकथाम करें। आपको बता दें कि हसन परिवार की बेटी इकरा हसन की इंटरनेट मीडिया पर समर्थकों में खासी लोकप्रियता है। इकरा समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक मामले में नाहिद को जब जेल जाना पड़ा तो उनकी छोटी बहन इकरा हसन ने ही मशक्कत कर बड़े भाई को चुनाव में जीत दिलवाई थी। नाहिद हसन ने कैराना विधानसभा से लगातार 3 चुनाव जीत कर हैट्रिक लगाई और अब कैराना लोकसभा से इकरा हसन चुनावी मैदान में है।